मुझे जो आंदोलन वो कर रहे उसके बारे में उन्हें एक निवेदन दिया है। रामदेव बाबा जी काले धन के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो देश के लिए बहुत ही आवश्यक ऐसा सवाल है। देश की आर्थिक स्थिति हम सब के लिए चिंता पैदा करने वाली है। डॉलर की तुलना में रुपया नीचे जा रहा है, गांव गरीब मजदूर किसान बहुत दुखी है। ऐसे स्थिति में जो काला धन विदेशों में रखा है वो देश में लाना चाहिए और देश के विकास के लिए, चाहे हमारे यहाँ की खेती हो, गरीब व्यक्ति हो, शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली हो, एक क्षेत्र में अगर उसका उपयोग किया जाएगा तो देश की गरीबी दूर होगी, गांव गरीब मजदूर और किसान को न्याय मिलेगा। और इसलिए हमारी पार्टी पूरी तरह से उनके आंदोलन के साथ सहमत है और पूरा हमारा समर्थन है। मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विश्वास रखती है कि सत्ता के राजनीति से ऊपर उठकर देश की चिंता होनी चाहिए, गरीब की चिंता होनी चाहिए। और ऐसा आंदोलन जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ करेगा, वो आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये राष्ट्रीय आंदोलन है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ चले जाओ के रूप में आंदोलन किया था, उसी प्रकार से राष्ट्रभक्ति को जगाने वाला और देश के भविष्य और तकदीर को बनाने के लिए, देश को सुखी समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए उस भावना से किया हुआ गैर राजनीतिक आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन की अपनी राजनीति को पूरी तरह से दूर रखेगी और हृदय से, दिल से, जिस भावना से बाबा ये आंदोलन कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा सक्रिय समर्थन है। हम उनको साथ देंगे और मैं बाकी भी राजनीतिक पार्टी उनको भी आह्वान करूँगा कि देश के हित के लिए वो भी उसको उचित सहयोग करें। और इसके ऊपर जो मैंने साइन की हुई है, ये जो कागज़ है, कि पूज्य स्वामी रामदेव जी द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध तथा काले धन के धन को देश में वापस लाए जाने के समर्थन में चलाए जा रहे भारत स्वाभिमान आंदोलन से हम सहमत हैं, ऐसा लिखकर मैं ये पत्र बाबा के स्वाधीन कर रहा हूँ। और पूरे शक्ति के साथ इस आंदोलन में ये राष्ट्रभक्ति का आंदोलन है, देश के स्वाधीनता का जैसा आंदोलन है, और अपनी राजनीति दूर रखकर हम पूरा जहाँ जहाँ बाबा कहेंगे उसको पूरा सहयोग देंगे और समर्थन देंगे। गडकरी जी, इसी से जुड़ा सवाल है, जैसे सोनिया गांधी ने कहा है कि आप और बाबा अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और साजिश के तहत उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, बेसलेस है, आरोप बेसलेस है। पहली बात तो ऐसी है कि सोनिया जी से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि वो इसका सही अर्थ समझे। ये आंदोलन जो बाबा जी से मेरी चर्चा हुई, ये ना किसी पार्टी के विरोध में है, ना किसी व्यक्ति के विरोध में है, ये राष्ट्र के अस्मिता के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए, गांव गरीब मजदूर किसान के भलाई के लिए है। और काला धन जिन्होंने रखा है वो काला धन वापस लाना चाहिए, ये भावना जो है, मुझे लगता है इस भावना के पीछे जो भावना आंदोलन की बाबा ने रखी हुई है उसको सभी राजनीतिक पार्टियों ने समझना चाहिए। और सोनिया जी से भी वो मिलने वाले, उन्होंने कहा मैंने उसमें